ओके इन दिस लेक्चर वी विल अंडरस्टैंड हाउ डज कोएक्सियल केबल रेडिएट तो देखिए कोएक्सियल केबल में क्या है कोएक्सियल केबल में इनर कंडक्टर और ये शील्ड कहते हैं इसको आउटर कंडक्टर भी कहते हैं इसको शील्ड भी कहते हैं तो आप देखिए कि ये एक आर एफ सोर्स है आर एफ सोर्स यहाँ पे है ये अपना डाइपोल एंटीना है और ये डाइपोल एंटीना में मैंने मैंने ये ये एक्स वाई प्लेन यहाँ पे बना दिया ये अपनी जेड एक्सिस है तो आप फिर से याद करिए कि किसी भी बैलेंस एंटीना के लिए दो कंडीशन होती है क्या क्या होनी चाहिए कि ये किसी एक प्लेन के अबाउट से होना चाहिए और इस आर्म में जो करंट है और इस आर्म में जो करंट है ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए बराबर होनी चाहिए तो चलिए ये एक ऐसी सिचुएशन लिया अच्छा यहाँ पे हमने कोएक्सियल केबल यूज़ किया है कोएक्सील केबल यूज़ किया है मतलब पक्की बात है हम किस फ्रीक्वेंसी पे इंटरेस्टेड हैं हायर फ्रीक्वेंसीज पे पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि हम कोएक्सील केबल को किस फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी पे उसका प्रॉपरली रीज़न भी बताया था तो चलिए ये कोएक्सील केबल का इनर कंडक्टर है इसको मैंने डाईपोल के एक आर्म से कनेक्ट कर दिया ये कोएक्सील केबल का आउटर कंडक्टर है इसको मैंने डाईपोल के दूसरे आर्म से कनेक्ट कर दिया और मैंने ये एज्यूम किया है कि डाईपोल के आसपास कुछ भी नहीं है देर इज़ फ्री स्पेस नो ऑब्जेक्ट नो मेटालिक ऑब्जेक्ट नो अर्थ नो ग्राउंड कुछ भी नहीं है इस डाइपोल के क्रॉस तो आप याद करिए कि मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है ये एक कंडक्टर है ये एक कंडक्टर है दो कंडक्टर के बीच में क्या है फ्री स्पेस है फ्री स्पेस मतलब डाइलेक्ट्रिक है तो क्या ये ऐसी सिचुएशन नहीं है क्या कि ये एक कंडक्टर है ये एक कंडक्टर है दोनों के बीच में क्या भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भरा हुआ है तो कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट को क्या कहते हैं कंडक्शन करंट और डाइलेक्ट्रिक से फ्लो होने वाली करंट को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट तो आप सोच के देखिए कि ये जो आईएफ करंट है ये क्या है कंडक्टर है इस ये किससे फ्लो हो रहा है कंडक्टर से तो पक्की बात है ये कैसी करंट होगी कंडक्शन करंट ये कैसी करंट होगी सोच के देखिए ये क्या होगी कंडक्शन करंट होगी अच्छा दो कंडक्टर के बीच में कंडक्टर नंबर वन और कंडक्टर नंबर टू दोनों के बीच में डाईलैक्ट्रिक है देखिए ऐसी सिचुएशन है बिल्कुल है तो इस डायलैक्ट्रिक से फ्लो होने वाला करंट क्या होगा डिस्प्लेसमेंट करंट होगा अच्छा मैंने आपको एक चीज़ और भी बताई थी कि दो कंडक्टर के बीच में जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है ये जो कैपेसिटेंस कहलाएगा इसको पैरासिटिक कैपेसिटेंस भी बोलते हैं तो ये आप रिकॉल कर लीजिए पिछले मेरे लेक्चर्स देख लेना बैलेंस एंड बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन वाला बैलेंस एंड बैलेंस एंटीना वाला लेक्चर देख लेना वहाँ पर मैंने इसको बहुत अच्छे से समझाया फिर भी यहाँ पर एक रिकॉल कर लीजिए कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट कंडक्शन करंट कंडक्टर से फ्लो होने वाली करंट कंडक्ट कंडक्शन करंट फ्री स्पेस से फ्लो होने वाली करंट या डाइलैक्ट्रिक से फ्लो होने वाली करंट डिस्प्लेसमेंट करंट दो कंडक्टर के बीच में कैसा कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस होता है कौन सी को केबल यूज़ किया है कोएक्सियल केबल कोएक्सियल केबल यूज़ किया है मतलब पक्की बात है किस पे हायर फ्रिक्वेंसीज पे इंटरेस्टेड हैं इनर कंडक्टर किससे कनेक्ट किया फर्स्ट आर्म से और आउटर कंडक्टर किससे कनेक्ट किया सेकेंड आर्म से तो क्या ये डाइपोल सेमेट्रिक है एक्स वाई प्लेन के हाँ और यदि देखिए यहाँ से ये करंट आई एफ है इसको बोलते हैं फॉरवर्ड करंट ये आई एफ किस में कन्वर्ट हो गई आई डी में आई डी मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट किस में हो गया रिटर्न uh, करंट में आई आर में कन्वर्ट हो गया तो मैं यहाँ पे इस इस इक्वेशन को देख के और इस सिचुएशन को देख के ये बोल सकता हूँ कि आई एफ फिजिकल टू आई आर ये कब है ये डायपोल कहाँ पर रखा हुआ फ्री स्पेस पे इस डाइपोल के आसपास कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट नहीं है कुछ भी नहीं है आई एफ कंडक्शन करेंट किस में कन्वर्ट हुआ डिसप्लेसमेंट करेंट में ये डिस्प्लेसमेंट करेंट फिर से किस में कन्वर्ट हुआ कंडक्शन करंट में तो आई एफ और आई आर इस इक्वेशन से देखने पे क्या पता चलता है बराबर है लेकिन क्या ऐसा होता है मेरा जवाब है नहीं देखिए कैसा होता है चलिए मान लीजिए ये ये कोएक्सील केबल है को एक्सेल केबल में ये इनर कंडक्टर है ये आउटर कंडक्टर है आउटर कंडक्टर को आप अच्छे से देखिए आउटर कंडक्टर को अच्छे से देखिए तो इस ये आउटर कंडक्टर की कुछ ना कुछ थिकनेस है कुछ ना कुछ क्या है थिकनेस है मैंने यहाँ पे लिखा है एक इनर सरफेस होगी आउटर कंडक्टर की और एक आउटर सरफेस होगी आउटर कंडक्टर की फिर से सुनिए ये कौन सा कंडक्टर है ये जो ग्रीन वाला है ये वाला ये क्या है इनर कंडक्टर है ये जो ये जो बाहर वाला है ये कैसा कंडक्टर है आउटर कंडक्टर है इसकी दो सरफेस होगी एक तो अंदर वाली सरफेस और एक बाहर वाली सरफेस तो अब मैं इसको बोलता कैसा हूँ कि इसको आउटर कंडक्टर को क्या मैं बोलता हूँ शील्ड बोलता हूँ तो इसको अंदर वाले को क्या बोलूँगा इनर सरफेस ऑफ द शील्ड और बाहर वाले को क्या बोलूँगा आउटर सरफेस ऑफ द शील्ड मान लीजिए ये कोएक्सियल केबल है ये कोएक्सियल केबल का इनर कंडक्टर डाइपोल की एक आर्म से कनेक्ट किया और जो डाइपोल का जो दूसरा आर्म है किससे कनेक्ट किया है मैंने शील्ड से शील्ड मतलब आउटर कंडक्टर शील्ड से कनेक्ट कर दिया चलिए कनेक्ट कर दिया अब इस बार ये डाइपोल फ्री स्पेस पे नहीं है डाइपोल फ्री स्पेस पे नहीं है डाइपोल के आसपास कुछ मेटालिक ऑब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं और ये ग्राउंड भी है तो देखिए इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में एक कैपेसिटेंस होगा बिल्कुल होगा ये वाले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में भी एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा क्यों होगा क्योंकि ग्राउंड को एज़ अ कंडक्टर यूज ट्रीट करते हैं अर्थ को एज अ कंडक्टर भी यूज़ करते हैं या ट्रीट करते हैं इस कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में भी क्या होगा एक तरीके का पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा अच्छा मान लीजिए एक मेटल है इस कंडक्टर और इस मेटल के बीच में एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा इस वाले मेटल और ये ग्राउंड के बीच में भी एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा क्यों मैं आपको कंसेप्ट क्या बताया था दो कंडक्टर के बीच में एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस डेवलप करना है तो ये क्या इस तरीके से कैपेसिटेंस डेवलप कर सकते हैं फिर से समझिए ये वाला कंडक्टर और ये वाला कंडक्टर बीच में क्या है फ्री स्पेस कैसा कैपेसिटेंस डेवलप होगा पैरासिटिक कैपेसिटेंस अच्छा फिर से देखिए ये कंडक्टर और ग्राउंड इस वाले कंडक्टर और ग्राउंड के बीच में क्या है फ्री स्पेस बिल्कुल तो यहाँ पे भी एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस ये मेटल है और ये मेटल है दोनों के बीच में फ्री स्पेस यहाँ पे भी पैरासिटिक कैपेसिटेंस ये मेटल और ग्राउंड यहाँ पे भी एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस इस तरीके से हुआ अच्छा देखिए ये कंडक्टर है इससे फ्लो होने वाला करंट क्या कहलाएगा कंडक्शन करंट ये कंडक्शन करंट कितने पार्ट में टूट गया आप देखिए एक आई डी वन एक आई डी टू और एक आई डी थ्री तीन पार्ट में ब्रेक हो गया ये आई डी कौन सी करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट है डिस्प्लेसमेंट करंट कितने रास्तों से चली गई आई डी वन आई डी टू आई डी थ्री तीन रास्तों से चली गई तो इस रास्ते से आई डी वन आया और ये किस में चला गया ये दूसरे कंडक्टर में देखिए आप देखिए आई एफ करेंट आई एफ मतलब कि कंडक्शन करेंट किस में ए, कन्वर्ट हुई डिस्प्लेसमेंट करेंट में डिसप्लेसमेंट करेंट के कितने पार्ट हुए आई डी वन आई डी टू आई डी थ्री यहाँ से क्या मिला आई आर रिटर्न करेंट किस रिटर्न करेंट किसके बराबर हुआ आई डी वन के बराबर तो क्या आप बोल सकते हैं कि ये करेंट और आई एफ करेंट इक्वल होगी मेरा जवाब है नहीं तो आप देखिए क्या अब आप आपका स्ट्रक्चर बैलेंस्ड रह गया मेरा जवाब है नहीं क्यों क्योंकि बैलेंस के लिए कंडीशन तो दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कौन कौन सी सोच के देखिए एक तो एक्स वाई प्लेन के अबाउट क्या होना चाहिए सिमेट्रिक होना चाहिए दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए दूसरी चीज़ ये करंट और ये करंट इक्वल होना चाहिए तो क्या ऐसी सिचुएशन मिल रही है इन इक्वेशंस को देखिए नहीं बिल्कुल नहीं मिल रही है क्या IR आ, 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 आई आर करेंट आई आर करेंट आई एफ करेंट के इक्वल है नहीं क्यों नहीं है आई एफ करेंट किस में कन्वर्ट हुई आई डी में आई डी कितने पार्ट में ब्रेक हो गई तीन पार्ट में तीन पार्ट में और ये आई डी वन रिटर्न हो रही है एक्चुअली में लेकिन आई डी टू आई डी थ्री तो ये यहाँ कहीं चली गई तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आई एफ और आई आर इक्वल नहीं होंगे जब दोनों करंट इक्वल नहीं होंगे दोनों आर्म में ये दोनों करंट इक्वल नहीं है तो मैं बोल दूँगा स्ट्रक्चर कैसा हो गया अनबैलेंस हो गया तो चलिए अब एक तीसरी सिचुएशन भी देखते हैं ये देखिए ये अपना ये जो ये जो है ये जो रेड कलर का डैश 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 है ये कैसा कंड ये सॉरी ये जो ये है ये जो ये जो कंडक्टर है ये कैसा कंडक्टर है इनर कंडक्टर ये जो केबल जो दिख रही है वो कैसी केबल है ये देख लीजिए इसको ये ब्लैक ब्लैक भी कर देता हूँ मैं ये कौन सा कंडक्टर है इनर कंडक्टर है इनर कंडक्टर किससे कनेक्टेड है डाइपोल के एक आर्म से चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अच्छा आप देखिए कि ये एक दूसरी सिचुएशन में बता रहा हूँ ये आउटर कंडक्टर है आप यहाँ से देखना कि ये इनर कंडक्टर है ये इनर कंडक्टर है और ये आउटर कंडक्टर है आउटर कंडक्टर की दो सरफेस हैं एक तो इनर और एक आउटर आउटर कंडक्टर की या शील्ड की इस शील्ड की दो सरफेस हैं एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस अच्छा देखिए मान लीजिए कुछ भी नहीं है इसके इस डाइपोल के अराउंड कुछ भी नहीं है तो देखिए क्या होगा यहाँ से ये ये करंट कौन सी होगी कंडक्शन करंट होगी कंडक्शन करंट किस में कन्वर्ट हुई ये कंडक्शन करेंट यहाँ पर एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा पैरासिटिक कैपेसिटेंस होगा ये कंडक्शन करंट किस में कन्वर्ट हुई डिस्प्लेसमेंट करंट में डिस्प्लेसमेंट करंट यहाँ से आई ये आई आर में कन्वर्ट हुई अच्छा अब यहाँ से यहाँ से देखना इस करंट को दो रास्ते मिल गए कौन कौन से कौन कौन से रास्ते मिल गए ये देखिए ये इनर सरफेस इनर सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर है ये इनर सरफेस ऑफ द आउटर कंडक्टर है या कि इसको मैं बोलूँगा क्या बोलूँगा ये शील्ड का इनर सरफेस है और ये शील्ड का आउटर सरफेस है करंट को दो रास्ते मिल जाएंगे करंट डिवाइड हो जाएगी तो कैसे डिवाइड किया आई आर वन और आई आर टू तो यानी कि यहाँ से मैं कह सकता हूँ आई आर वन आई आर वन जो है कहाँ पर चल रही है इनर सरफेस पे आई आर टू कहाँ पर चल रही है आउटर सरफेस पे अब मान लीजिए एक सिचुएसन ऐसी आ गई मान लीजिए यहाँ पर कोई मेटल है यहाँ पे कोई मेटल है सपोज दैट तो क्या होगा ये आउटर आउटर सरफेस जो है ये शील्ड का जो आउटर सरफेस है शील्ड का आउटर सरफेस और ये शील्ड का इनर सरफेस है शील्ड का आउटर सरफेस इस मेटल के साथ एक पैरासिटिक कैपेसिटेंस डेवलप कर लेगा मतलब यहाँ पे एक अच्छा सोच के देखिए ये कहाँ ये ये क्या चीज़ है फ्री स्पेस है ये पैरासिटिक कैपेसिटेंस डेवलप हो गया तो यहाँ से फ्री स्पेस से एक करंट फ्लो कर जाएगी और फ्री स्पेस पे फ्लो होने वाली करंट को क्या कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं मतलब फ्री स्पेस से करंट फ्लो हो गई मतलब फ्री स्पेस से क्या हो गया रेडिएशन हो गया मतलब इस तरीके से को केबल क्या कर सकती है रेडिएट कर सकती है तो फिर से एक बार इस सिचुएशन को समझते हैं इनर कंडक्टर किससे कनेक्टेड है डाइपोल के एक आर्म से इस डाइपोल में ये क्या है डाइपोल का ये कंडक्टर है यहाँ से फ्लो होने वाला करंट कौन सा होगा कंडक्शन करंट इस कंडक्टर और इस कंडक्टर के बीच में देखिए आप क्या है एक फ्री स्पेस है तो इन दोनों के बीच में कौन सा कैपेसिटेंस डेवलप होता है पैरासिटिक कैपेसिटेंस तो यहाँ से आप देख के क्या बोल सकते हैं आई एफ किस में तब्दील हो गया आईडी में आईडी को कौन सी करंट बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों बोलेंगे कहाँ से फ्लो हो रहा है फ्री स्पेस से फ्लो हो रहा है चलिए ये आई आर में कन्वर्ट हुआ लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर ये ये क्या कौन सा कंडक्टर है ये कौन सा कंडक्टर है आउटर कंडक्टर है आउटर कंडक्टर की कितनी सरफेस हैं दो सरफेस कौन कौन सी एक तो इनर वाली और एक आउटर वाली करंट को कितने रास्ते मिल गए दो एक इनर में फ़्लो कर जाएगा और एक आउटर में चलिए आउटर में फ़्लो कर गया और ये मान लीजिए यहाँ पे कोई मेटल है तो ये जो आउटर सरफेस पे जो करंट है आउटर सरफेस पे जो करंट है ये यहाँ से फ्लो हुई ये, ये कैसी करंट होगी आई आर टू कैसी करंट होगी कंडक्शन करंट होगी कि डिस्प्लेसमेंट करंट होगी तो मेरा जवाब है कंडक्टर से फ्लो हो रही है इसलिए कंडक्शन करेंट होगी अच्छा देखिए इस कंडक्टर आउटर जो आउटर कंडक्टर का जो आउटर सरफेस है आउटर सरफेस और ये मेटल के बीच में क्या होगा कैपेसिटेंस डेवलप होगा तो यहाँ से एक करेंट फ्लो कर जाएगी तो यहाँ से एक करेंट फ्लो कर जाएगी इस करंट का नेचर कैसा होगा डिस्प्लेसमेंट टाइप का होगा डिस्प्लेसमेंट करंट होगी और जहाँ कहीं पे भी डिस्प्लेसमेंट करंट दिख जाए तो समझ जाना आप वहाँ पे क्या हो रहा है रेडिएशन हो रहा है तो क्या बात समझ में आई कि कोएक्सियल केबल भी क्या कर सकती है रेडिएट कर सकती है तो होपफफुली ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा आपको सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है क्या आउटर जो ये जो शील्ड है ये जो शील्ड है या आउटर कंडक्टर है इसकी दो सरफेस होती हैं कौन सोई एक इनर सरफेस और एक आउटर सरफेस क्या दोनों कंडक्टर हैं बिल्कुल हैं इस कंडक्टर और इस मेटल के बीच में क्या हो डेवलप हो जाएगा पैरासिटिक कैपेसिटेंस यहाँ से एक करंट फ्लो कर जाएगी ये करंट कैसी नेचर की होगी डिस्प्लेसमेंट करंट होगी डिस्प्लेसमेंट करंट क्यों क्योंकि फ्री स्पेस से फ्लो होने वाला करंट जो कहलाता है डिस्प्लेसमेंट करंट कहलाता है और जहाँ कहीं पर भी डिस्प्लेसमेंट करंट दिख जाए तो आप बोल दीजिए कि वहाँ पर रेडिएशन हो रहा है मतलब हमारी कोएक्स एल केबल क्या कर गई रेडिएट कर गई तो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड द रेडिएशन फ्रॉम द कोएक्स लाइन और होपफुली आपको ये समझ में आया होगा और यदि ये लेक्चर आपको अच्छा लगता है देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर इट थैंक यू वेरी मच